वॉकहार्ट फाउंडेशन अब पशुओं से क्रूरता करने वालों को सबक सिखाएगी। देश में मानव के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जुटी संस्था वॉकहार्ट फाउंडेशन अब बेजुबान जानवरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नाम जीव सेवा है। कई बड़े शहरों में कुछ संस्थाएं हैं जो इन बेजुबानों की सेवा कर रही हैं, लेकिन इतने बड़े देश में वो पर्याप्त नहीं है। आपको सड़कों गलियों में ऐसे जानवर आसानी से मिल जाते हैं जिन्हें खाने के अलावा उनके इलाज की सख्त ज़रूरत होती है। आप सभी ने सड़क पर एक्सीडेंट में घायल जानवरों को भी कई बार देखा होगा। आपका दिल भी चाहता होगा कि उनकी मदद की जाए। आप मदद न कर पाने पर एक बेबसी सी महसूस करते होंगे, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं है। वॉकआउट फाउंडेशन अब जानवरों के कल्याण और उनकी रक्षा के लिए जीव सेवा के जरिए देश के किसी भी हिस्से में बेजुबानों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इस विषय की जानकारी वॉकआउट फाउंडेशन के ट्रस्टी और सीईओ सर डॉक्टर हुज ने दी। अभी जीव सेवा एनिमल के लिए है, तो वो अभी हमने शुरू किया है, तो उसमें हमारे एक वॉरियर है डॉक्टर सिंधुजा, वो उसके ऊपर थोड़ा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो उसमें मतलब क्या कंसेप्ट है जीव सेवा में आपका? जीव सेवा में हम एनिमल वेलफेयर का काम करेंगे, फॉर एग्जांपल एनिमल एम्बुलेंस और केयर ऑफ एनिमल्स और एनिमल क्रूल्टी के अगेंस्ट एक्टिविज्म करेंगे। तो ये मुंबई के लिए या ये इंडिया में है पूरे? तो ये जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं या दूसरे? और हाँ, स्ट्रीट डॉग, फिर कैट है, फिर काउज भी है, बफेलो, ऐसा सब एनिमल्स के लिए। तो ये शुरू कर दिया आपने? ये हम अभी सोच रहे कैसे करना है। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके यहाँ जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यादव समाज का जीवन सदा से गाय, बैल और दूसरे जानवरों के साथ ही गुजरता है। उस समाज की संस्था यादव महासभा मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट खिलाचंद यादव ने वॉकहार्ट फाउंडेशन द्वारा शुरू किए जा रहे जीव सेवा के कार्य का हार्दिक स्वागत करते हुए देशवासियों से इसे सफल करने की अपील की है। अभी भाई डॉक्टर खुराकी वाला को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक व्यक्ति को बेजुबानों की चिंता तो हुई न संसार में। आदिकाल से मैंने देखा हुआ है ये जीव जंतु जो संसार में आए हैं, जो नहीं बोल सकते, वो मनुष्य की भलाई और उसकी व्यवस्था के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं मानव का उनका उपयोग है ही। और अगर आप बहुत पीछे जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण भी गायों में पले हुए थे, महलों में नहीं पले थे, बेजुबानों के बीच से मसाय संसार का रास्ता बताया। मोहम्मद शाह पैगंबर भी जंगल में जाकर भीड़ बकरियों को चराते थे, महलों में नहीं पले थे, लेकिन बेजुबानों की सेवा करने वाले व्यक्ति ने सारे संसार को मार्ग दिया, रास्ता बताया। जीसस जी का यही हाल था, घोड़ों तबेलों में पैदा हुए थे, बेजुबानों के बीच में थे, लेकिन सारे संसार को उन्होंने रास्ता बताया। तो आज खुराकी वाला को मैं धन्यवाद कहता हूँ, किसी एक व्यक्ति को कम से कम इन जीवों की चिंता तो हुई, क्योंकि इनके ऊपर हमारा पूरा जीवन चलता है, सारा संसार को इन्होंने पाला है। कहीं न कहीं इनके सहयोग, इनके उपयोग से धरती चल रही, वरना चल नहीं पाती। इससे मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वो बहुत प्रसन्न हूँ कि कम से कम एक व्यक्ति जिससे पैदा हुआ, और ये कामना भी करता हूँ ईश्वर करें कि इस प्रोग्राम में सफल हों और पूरा देश इनका साथ दे। भगवान महावीर ने कहा था, सभी प्राणी अपने आप से प्यार करते हैं, उन्हें सुख पसंद है, वो दर्द से घृणा करते हैं, विनाश से दूर रहते हैं, वो जिंदगी चाहते हैं और लंबे समय तक जीना चाहते हैं। सभी के लिए जिंदगी बहुत कीमती है, इसलिए उनके जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। महात्मा गांधी और भगवान महावीर की ये बात अगर सभी को समझ में आ जाए तो हमारी धरती पर एक भी प्राणी तकलीफ में हरगिज दिखाई नहीं देगा। शायद वॉकहार्ट फाउंडेशन अपने महापुरुषों की इन्हीं बातों को व्यवहार में लाने की कोशिश में जुट गया है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।